हेलो फ्रेंड्स, इस समय पूरा भारत और पूरी दुनिया एक ही वायरस से लड़ रही है और हम सभी जानते ही हैं, उसका नाम है कोरोना वायरस। इस वायरस से जुड़ी हुई सारी खबरें आपको इंटरनेट पर और टीवी पर देखने के लिए मिल रही होंगी। आप सारा दिन लॉकडाउन में घर पर बैठकर ये न्यूज ही देख रहे होंगे, क्योंकि आपको देखना है कि पूरे भारत में कितने लोग मरे, पूरी दुनिया में कितने लोग मरे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ये नोटिस किया है कि जितने भी लोग मर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग वही हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, यानी कि ऐसे लोग जिनकी उम्र ज्यादा है उन्हीं की सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। क्या आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल कोई भी वायरस हो, फिर चाहे वो कोरोना वायरस हो, सार्स हो या स्वाइन फ्लू हो, कोई भी वायरस इंसान की इम्यूनिटी पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, इसलिए आजकल का ये वायरस उन इंसानों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है जिनकी उम्र ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा उम्र में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और जब ये कोरोना वायरस उस इंसान पर हावी हो जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है। अब सभी जगह लॉकडाउन है और हम घरों में हैं। घरों में रहकर हम ये सोच रहे होंगे कि शायद हम इस वायरस से बच जाएंगे, लेकिन सोचिए अगर आपके नजदीक कोई ऐसा इंसान आ गया जिसे कोरोना वायरस है तो क्या आप उस वायरस से बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि घरों में रहकर भी हम बिस्किट और भुजिया ही खा रहे हैं। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस वायरस से बचने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को भी तो बढ़ाना है। अभी हमारे पास कितना समय है, हम घर में पूरा समय फ्री हैं, तो हम कुछ ऐसा खाएं, कुछ ऐसा करें जिससे हमारी बॉडी इस वायरस से लड़ सके। देखिए, पूरा देश, पूरी दुनिया इस वायरस से लड़ रही है, तो ऐसे में हम सभी की भी ये जिम्मेदारी है कि हम खुद की रक्षा तो कर ही सकते हैं। अब खुद की रक्षा करने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे आपका शरीर ऐसे वायरस से लड़ सके। इसके लिए हमारे घर की किचन में बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि आप दूध में हल्दी डालकर पी सकते हैं। दूध में हल्दी डालकर पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके अलावा अगर आपके घर के नजदीक तुलसी के पत्ते होंगे तो खाली पेट आप तुलसी के पत्ते खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नीम है तो नीम के पत्तों को पानी में डालकर पानी को उबालें और उस पानी से नहाएं, इससे भी आप वायरसेस और बैक्टीरिया से बच सकते हैं। और एक और चीज है जामुन। और अब देखिए, जैसे गर्मियों का समय शुरू हो रहा है तो गर्मियों में जामुन को बहुत ज्यादा खाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि पुराने जमाने में अक्सर घरों में जामुन का पेड़ लगा होता था, बहुत से घरों में अमरूद का पेड़ था, बहुत से घरों में नीम का पेड़ था और बहुत से घरों में जामुन का पेड़ था। लेकिन आजकल किसी भी घर में कोई पेड़ है ही नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुराने जमाने में घरों में पेड़ लगाने का मकसद ये नहीं था कि पेड़ देखने में अच्छे लगे। पुराने जमाने में घरों में पेड़ लगाने का मकसद था कि पेड़ हमें कई बीमारियों से बचा कर रखते हैं। हमारी पुरानी मेडिकल साइंस यानी आयुर्वेद कहता है कि सभी बीमारियों का कारण एक है, सभी बीमारियां एक हैं, सभी बीमारियों का सलूशन एक है। लेकिन आज का मेडिकल साइंस कहता है कि सभी बीमारियां अलग अलग हैं, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और न जाने कितनी बीमारियां। और आज का विज्ञान ये भी कहता है कि सभी बीमारियों का सलूशन भी अलग अलग है। तो आज का मेडिकल साइंस हमें इसी तरह से भ्रम में डालता है। आज के मेडिकल साइंस को देखें तो आपको हर छोटी से बड़ी बीमारी के लिए अलग दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आयुर्वेद की बात करें तो आपको सारी बीमारियों के लिए सिर्फ एक ही दवा लेनी पड़ती है। और आज की वीडियो में आप ये समझ जाएंगे कि कैसे आप एक जामुन के पेड़ के जरिए अपनी कितनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एक जुकाम की दवाई से कैंसर को ठीक कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल जो दवाई हमें जुकाम के लिए दी जाती है वो जुकाम को ही सही कर सकती है, कैंसर को सही नहीं कर सकती। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा हो सकता था, यानी कि हमारी पुरानी मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आप दूध में हल्दी मिलाकर पीते हैं तो इससे आप अपने जुकाम को भी सही कर सकते हैं और कैंसर को भी सही कर सकते हैं। इसी तरह से जामुन एक ऐसा पेड़ है जिसकी छाल, उसके पत्ते, जामुन की जड़, जामुन का फल और फल के अंदर का बीज, हर एक चीज कितनी ही बीमारियों में इंसान की रक्षा करता है। आज की वीडियो में आप ये जान जाएंगे कि कैसे जामुन का इस्तेमाल करें ताकि जामुन से हम ढेरों बीमारियां सही कर सकें। देखिए, अगर जामुन के फल की बात करें तो इसके फल से आप कई बीमारियां सही कर सकते हैं। देखिए, आप जामुन के पेड़ की छाल से अपने गले को ठीक कर सकते हैं, आप अपने मुंह के छाले को जामुन के पत्तों के जरिए ठीक कर सकते हैं, आप बवासीर जैसी प्रॉब्लम को जामुन की गुठली से सही कर सकते हैं और डायबिटीज जैसी बीमारी को जामुन के सिरके से सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, एक जामुन का पेड़ हमें डायबिटीज, बवासीर और न जाने कितनी बीमारियों से बचा सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि जामुन में क्या क्या गुण हैं और ये कैसे हमें बीमारियों से बचा सकता है। फ्रेंड्स, जो जामुन है इसके पत्ते एंटीबैक्टीरियल हैं, एंटीफंगल हैं। एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल होने के कारण आप इसे फंगस वाली जगह पर लगा सकते हैं।
उदाहरण के लिए अगर आपको दाद खाज खुजली हो, अगर आपको चोट लगी हो, तो जामुन के पत्ते लीजिए, उसे आप अच्छी तरह से पीस लीजिए, पेस्ट बनाकर इस पेस्ट को आप अपने दाद खाज खुजली पर लगाएं, 1 से 2 बार में आपकी दाद खाज खुजली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सेम उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आजकल की बेटनोवेट क्रीम काम करती है, वो भी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है, उसी तरह से जामुन के पत्ते भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है। तो आपको आजकल की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल की अगर दवाइयों को अगर आप अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे तो स्किन के अंदर के छोटे छोटे पोर्स के जरिए वो स्किन के अंदर एंटर कर जाती है और साइड इफेक्ट भी करती है। आपको लगता होगा कि आपने क्रीम्स को बाहर से लगाया, लेकिन हमारी स्किन उन चीजों को एब्जॉर्ब करती है जिससे हमें उन क्रीम्स का नुकसान होता है, लेकिन अगर आप जामुन के पत्तों का पेस्ट बनाकर लगाएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं बल्कि फायदा करेगा। तो इस तरह से आप अपने दाद खाज खुजली को जामुन के पत्तों के जरिए सही कर सकते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज को अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आपके लिए जामुन बहुत अच्छा है। जामुन का सिरका आपके लिए सबसे अच्छा है अगर आप डायबिटीज को सही करना चाहते हैं। मार्केट में आपको कई तरह के सिरके मिलते हैं। दरअसल घरों में जिस सिरके का हम इस्तेमाल करते हैं वो सिंथेटिक सिरका होता है, यानी कि सिंथेटिक विनेगर, जिसे आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है, वो दरअसल सिरका है ही नहीं। कई तरह का नेचुरल सिरका आपको मार्केट में मिल सकता है, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर, जामुन का विनेगर। तो आपको जामुन का सिरका लेना है। जामुन के सिरके का 1 चम्मच सुबह खाली पेट अगर आप हर रोज लेते हैं तो लगातार 3 महीने से लेने से आप अपनी डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं, यानी कि वो डायबिटीज जिसे आजकल के डॉक्टर कहते हैं कि खत्म किया ही नहीं जा सकता, लेकिन आप जामुन के सिरके के जरिए उसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि आपको जितना हो सके एल्केलाइन यानी कि क्षारीय डाइट लेनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट सही करनी है। आपको अपनी डाइट में कच्ची चीजों को ज्यादा शामिल करना है, जैसे कि फल, सब्जियां, सैलेड और स्प्राउट्स। अगर आप इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, साथ ही साथ 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का सुबह खाली पेट लेते हैं, तो आप अपनी डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कीजिए, जामुन खाने के बाद जो उसके अंदर की गुठली यानी कि बीज बच जाता है उसे इकट्ठा कर लीजिए, उसे अच्छे से धोकर धूप में सुखा लीजिए, फिर उसका पाउडर बना लीजिए। ये जो जामुन की गुठली का पाउडर है ये आपको बवासीर की प्रॉब्लम में आराम देगा। बहुत से लोगों को आजकल बवासीर की प्रॉब्लम रहती है, जिसका कारण है हमारे पेट का खराब होना, ज्यादा मसालेदार खाना खाना, कब्ज का रहना, जिस कारण से ये भयंकर प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर आप इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं तो आप जामुन की गुठली का पाउडर सुबह खाली पेट 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लें। ऐसा लगातार 2 महीने करने से पुरानी बवासीर बिल्कुल खत्म हो जाती है। साथ ही साथ आप जामुन की गुठली के बीज के जरिए दांतों के दर्द को भी सही कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, मसूड़ों में दर्द रहता है, दांतों में गर्म या फिर ठंडा लगता है, तो आपके लिए जामुन के बीज का पाउडर बहुत ही अच्छा है। इससे अगर आप मंजन करते हैं तो आपके दांतों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एक तो पेन किलर देगा, वो आपके नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करेगी, दूसरा डॉक्टर आपको कहेगा कि दांतों में दर्द है तो दांत को डेड करवा लीजिए। अगर आप अपने दांत को डेड करवाते हैं तो उसके आगे कई नुकसान होते हैं, क्योंकि दांतों को डेड करवाने से दांतों की वो जो मजबूती है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए आप डॉक्टर्स के पास जाकर दांतों का इलाज ना करवाएं। दांतों के इलाज के लिए आप जामुन खा भी सकते हैं। जामुन को सिर्फ खाने से भी आपके दांतों का दर्द सही हो सकता है, साथ ही साथ जामुन की गुठली के पाउडर से मंजन करने से आपके दांतों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो उसे खत्म करने के लिए सिर्फ आपको जामुन खानी है। हर रोज अगर आप मुट्ठी भर जामुन खा लेंगे तो इससे आपकी बॉडी में से खून की कमी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये जामुन हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करती है। देखिए, अगर आपका ब्लड प्योरीफाइड नहीं है, अगर खून में गंदगी है, तो बहुत से रोग पैदा होते हैं। अब बहुत से रोगों में आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, चेहरे पर पिंपल्स भी हो सकते हैं, किडनी में स्टोन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये गंदगी ही है जो जगह जगह पर जम जाती है और अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करती है। तो ये जो खून की गंदगी है, इसे साफ करने के लिए जामुन बहुत अच्छा है। एक तो आप नीम का प्रयोग कर सकते हैं, नीम के पत्तों को सुबह खाली पेट खाने से हमारा खून साफ होता है। दूसरा, आप जामुन खा सकते हैं। अगर आप जामुन को हर रोज खाते हैं तो इससे आपका ब्लड प्योरीफाई होता है और गंदे खून से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी से आपको आराम मिल सकता है। तो इसी तरह से अगर आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो आप जामुन का सेवन कीजिए। जामुन का सेवन करने से आपके किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको किडनी स्टोन्स के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा
तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा समय जामुन का इस्तेमाल करके देखें, आपके स्टोन्स आपके बाथरूम के जरिए बाहर निकल आएंगे। देखिए, जब भी हमें कभी चोट लगती है, हमारी हड्डी टूट जाती है, तो हमारी हड्डी भी अपने आप जुड़ जाती है। और देखिए, इतनी जब सख्त हड्डी अपने आप जुड़ सकती है, तो क्या ये छोटा सा स्टोन बाहर नहीं निकल सकता? बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन आजकल की मेडिकल साइंस का काम है हमें डराना और डराकर हमसे इलाज के जरिए पैसे बटोरना। तो आपको ध्यान रखना है कि अपना इलाज आयुर्वेदिक तरीके से करना है, अपनी डाइट को जरूर सही रखना है, ताकि हमें बीमारियां हो ही ना। और अगर बीमारी हो तो जामुन का इस्तेमाल करें। देखिए कितनी बीमारियां हैं, डायबिटीज से लेकर बवासीर तक की बीमारियां जामुन से सही हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।